हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राजकुमार शर्मा। आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद एंड ऑथर ऑफ क्रूडो सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका फिजिक्स वीक है तो फिर आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका कट ऑफ जे एडवांस का निकल सके। टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम में आपको प्रिपेयर करना है। ऑलमोस्ट 1 मंथ है, ठीक है। तो सपोज करिए आपका मैथ और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और आपको लग रहा है कि मैं फिजिक्स में कट ऑफ नहीं निकाल पाऊंगा। तो पहली बात बता दूं कि पिछले 10 सालों में फिजिक्स का कट ऑफ सिर्फ 12 नंबर गया है, मतलब मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन गया है। 4 क्वेश्चन मान लो या 5 क्वेश्चन मैक्स, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको करेक्ट करने होते हैं, ठीक है। हाँ, परसेंटेज है 10%, टोटल फिजिक्स के स्कोर का 10% कट ऑफ गया है। 18% 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन में हो जाएगा आपका। अब चूंकि टाइम कम है और आप फिजिक्स पर उतना ध्यान नहीं दिए हैं और आपको कट ऑफ निकालना ही निकालना है क्योंकि आप डरे हुए हैं इस फिजिक्स के कट ऑफ से, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। बहुत घूमो मत, परेशान मत हो, एकदम सॉलिड है कि होगा ही होगा। एक इलेक्ट्रिक स्टैट्स पढ़ लो, 2019 में 23% क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिक स्टैट्स के, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टैट्स। इसमें आपको कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टैट्स एक पढ़ो पहला। दूसरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ये 19 में 16% आया था। तो एक हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आएगा क्वेश्चन जरूर। थर्ड मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स भी और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों इंक्लूडेड है, इसे करना है। बहुत ईजी चैप्टर है। और एसी ये करना है। ये आपके सामने कितने चैप्टर बताया मैंने, 4 चैप्टर बताया। तो पता है 2019 में इस 4 चैप्टर से मिला के टोटल 50% से ऊपर क्वेश्चन आए थे 19 में। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मॉडर्न फिजिक्स आएगा ही आएगा, और एसी तो एडवांस में एकदम कन्फर्म है। रेयर केस में शायद ना आए, अदरवाइज आना तो तय है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स, हीट थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, एसी, ये कहाँ से करें अगर नहीं किया है तो। एक काम आपको करना है, वो ये करना है कि मेरा प्लेलिस्ट पे जाओ, उसे देखो, और उससे देखने के बाद आप एस सी वर्मा का इलेक्ट्रोस्टैट्स कर जाओ, एस सी वर्मा का हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कर जाओ, एस सी वर्मा का मॉडर्न फिजिक्स बेस्ट है। अगर आप चाहते हो कि कट ऑफ निकालना है तो बेस्ट है एसी, बी एस सी वर्मा का गुड है, कोई गड़बड़ नहीं है, कर लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और एसी, इसे करना करना है। एक और बात, अगर सिर्फ कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कट ऑफ के अलावा भी अगर आपको कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है, तो इन 4 चैप्टरों को तो बिल्कुल तैयार रखिएगा, इसके क्वेश्चन आएंगे। और पूरे पेपर में ढूंढ के क्वेश्चन कर दो, ईजी ईजी क्वेश्चन जो दिखा ना उसे कर डालो, आपका हो जाएगा। ओके, तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, अगर आपको कट ऑफ सिर्फ निकालना है, सिर्फ 10% क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और एसी, इन 4 चैप्टर करने हैं बस। आपका कट ऑफ खूब आराम से निकलेगा। कट ऑफ छोड़ दो, ऊपर वाला चाहेगा ना तो अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। तो इसी बिल्कुल ना छोड़ना, चाहे कट ऑफ की बात हो चाहे इसको स्ट्रांग करो, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा अपडेट। थैंक यू।